जय हिंद। इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया का आज हमारा 23rd लेक्चर है। और आज के लेक्चर में एक तो हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया क्या है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कई सारे इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर्स के बारे में भी आज अपन बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन है जहां पर वर्किंग एज का इंसान, वर्किंग एज मतलब 15 से 60 साल की उम्र का इंसान, जो कि काम करना चाहता है, विलिंग है और काम को करने के लिए एबल भी है, कोई भी ऐसा इंसान जो कि वर्किंग एज में लाए करता है, काम करना चाहता है, विलिंग है और काम को करने के लिए एबल भी है, अगर ऐसे इंसान को करंट वेज रेट के ऊपर काम नहीं मिलता है तो ऐसे इंसान को कहा जाता है अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। और इस कंडीशन को कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन ऑफ वर्किंग एज हु इज विलिंग एंड एबल टू वर्क इज नॉट गेटिंग वर्क एट द करंट वेज रेट। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तीन कंडीशंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इंसान वर्किंग एज का होना चाहिए, दूसरा इंसान काम करने के लिए विलिंग होना चाहिए। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो कि वर्किंग एज में लाए करते हैं, जो कि एबल हैं लेकिन काम करना ही नहीं चाहते हैं, उनका कोई भी एक्स वाई जेड रीजन है, फॉर एग्जाम्पल सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, विलिंग ही नहीं है, काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। वर्किंग एज में लाए करना चाहिए, काम करना चाहता है, विलिंग है और साथ ही साथ काम को करने के लिए एबल भी है। जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी, इन तीनों कंडीशंस के फुलफिल होने के बावजूद भी अगर किसी इंसान को करंट वेज रेट के ऊपर काम नहीं मिलता है तो उस इंसान को कहा जाता है अनएम्प्लॉयड और ऐसी कंडीशन को कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सिंपल सी बातचीत है। फिर एक टर्म और चलता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन वेयर द पर्सन्स आर एम्प्लॉयड बिलो देयर एजुकेशन और स्किल लेवल। जो आपका एजुकेशन का लेवल है, जो आपका स्किल का लेवल है, उसके कंपेरिजन में आप कोई छोटा काम कर रहे हो, यू आर एम्प्लॉयड बिलो योर एजुकेशन और स्किल लेवल, तो इसे कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई ऐसा इंसान है जिसने PhD की हुई है, मतलब एजुकेशन का लेवल बहुत हाई है, मतलब स्किल का लेवल बहुत हाई है, लेकिन इसको अपने स्किल के हिसाब से कोई काम नहीं मिला और इसलिए इसने किसी स्कूल में 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत कर दी। ये जो फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट। भाई एजुकेशन का लेवल हाई है, PhD की हुई है, स्किल का लेवल हाई है, लेकिन स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिला, एजुकेशन के लेवल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिला और अब ये इंसान 5वीं क्लास तक के स्कूल के बच्चों को पढ़ाता है, मतलब ही और शी इज एम्प्लॉयड बिलो हिज और हर एजुकेशन और स्किल लेवल। ऐसे कंडीशन को कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। और ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ये दो तरीके का होता है, एक होता है विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यही कोई PhD किया हुआ इंसान है और ये पार्ट टाइम बेसिस पे किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, मतलब साफ साफ दिख रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन के लेवल के हिसाब से नहीं है, स्किल के लेवल के हिसाब से नहीं है और फुल टाइम के लिए भी नहीं है, पार्ट टाइम बेसिस पे है, ये विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट है। एक दूसरा इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई ऐसा इंसान है जिसने MBA किया हुआ है, मतलब एजुकेशन का लेवल बहुत हाई है, स्किल का लेवल बहुत हाई है, लेकिन इस इंसान को अपने स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिला और अब ये किसी कॉल सेंटर में नौकरी करता है, अब ये किसी ऑफिस में कैशियर के तौर पे काम करता है, मतलब ये जो इंसान है इसको अपने एजुकेशन के लेवल के हिसाब से काम नहीं मिला है, स्किल के लेवल के हिसाब से काम नहीं मिला है। देखने में क्या लगेगा कि यार पूरा 8 घंटा 10 घंटा काम करता है, इसकी तो नौकरी है, लेकिन एक्चुअल में ही और शी इज एम्प्लॉयड बिलो हिज और हर एजुकेशन और स्किल लेवल, और इसको कहा जाता है इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन
जहाँ पे किसी इंसान को एम्प्लॉय तो किया जाता है, लेकिन एम्प्लॉय किया जाता है बिलो देयर एजुकेशन और स्किल लेवल। दो टर्म्स, एक है अंडर एम्प्लॉयमेंट, कोई ऐसा इंसान जो कि वर्किंग एज में लाया करता है, काम करना चाहता है, विलिंग है और काम को करने के लिए एबल भी है। अगर ऐसे इंसान को करंट वेज रेट के ऊपर काम नहीं मिलता है तो उस इंसान को कहा जाता है अनएम्प्लॉयड और इस सिचुएशन को कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा टर्म है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसी इंसान को एम्प्लॉय किया जाता है बिलो हिज और हर एजुकेशन और स्किल लेवल, उस कंडीशन को कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। दोनों टर्म्स बेहद सिंपल हैं, आपको समझ में आए होंगे। फिर सवाल आता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या हैं। देखो, एक रीज़न है स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये तो किसी भी कंट्री में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इकोनॉमी रैपिडली ग्रो करेगी तो ज़्यादा जॉब्स का क्रिएशन होगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, मान लेते हैं रिसेशन आ गया है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जो जॉब्स हैं वो भी कम हो जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। दूसरा बड़ा रीज़न, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, इतनी लंबी चौड़ी पॉपुलेशन के लिए जॉब्स कहाँ से क्रिएट किए जाएँ, ये अपने आप में बड़ी समस्या है। तो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा रीज़न है। जो भी लोग थोड़ा बहुत भी एजुकेशन सिस्टम के टच में हैं, उनको पता है कि आज जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहद इम्प्रॉपर है। आज भी हम पुरानी घिसी पिटी चीज़ों पर लगे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम की वजह से भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। और इसी का एक्सटेंशन है मिसमैच बिटवीन स्किल्स रिक्वायर्ड एंड अवेलेबल। आज की डेट में जो जॉब्स अवेलेबल हैं, जॉब्स में जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, वो स्किल्स वाले लोग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रॉपर है, उसने खुद को अपडेट किया ही नहीं है। तो अब जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो स्किल्स वाले लोग अवेलेबल है ही नहीं, रिक्वायर्ड स्किल्स और अवेलेबल स्किल्स में बड़ा गैप है। और फाइनली, लिमिटेड इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग। हालांकि अगर सच बोला जाए तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से प्लानिंग की ही नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में, खासकर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और जितनी प्लानिंग की भी गई है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ढंग से नहीं हुआ है, उसका जो इफेक्ट है वो लिमिटेड है। और इन सभी रीजंस की वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। हालांकि और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, आप लिख सकते हो अगर आपने पढ़ा है, हम आगे चलते हुए पढ़ेंगे, लेकिन जो किताब में दे रखे हैं वो रीजंस क्या हैं, स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अपने आप में बड़ा रीज़न है, इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम बेहद बड़ा रीज़न है, इसी का एक्सटेंशन है मिसमैच बिटवीन स्किल्स रिक्वायर्ड एंड अवेलेबल, और फाइनली लिमिटेड इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग। बहुत सिंपल सी बातचीत, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तीन शब्द हैं, वर्किंग एज का इंसान होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए काम करने के लिए, और एबल होना चाहिए काम करने के लिए। अगर इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, उसके बावजूद उस इंसान को काम नहीं मिल रहा है करंट वेज रेट के ऊपर, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा टर्म है अंडर एम्प्लॉयमेंट, आपको एम्प्लॉय तो किया गया लेकिन बिलो योर एजुकेशन और स्किल लेवल, तो उसको कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। रीजंस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिया में, स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, मिसमैच बिटवीन स्किल्स रिक्वायर्ड एंड अवेलेबल, एंड लिमिटेड इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग। फिर इसके बाद बात आती है अनएम्प्लॉयमेंट के वेरियस इंडिकेटर्स के बारे में। सबसे पहला है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई मतलब सप्लाई ऑफ लेबर, दैट इज द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर एट डिफरेंट वेज रेट्स। देखो, सप्लाई ऑफ लेबर से अपन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग वेज रेट्स के ऊपर कोई वर्कर कितने घंटे काम करने के लिए विलिंग है, काम करना चाहता है, कितने घंटे के लिए अपनी लेबर को सप्लाई करना चाहता है, उसे कहा जाता है लेबर सप्लाई। ये जो लेबर सप्लाई है इसको मेजर किया जाता है मैन डेज के कॉन्टेक्स्ट में। मैन डेज जनरली क्या होता है, एक मैन डे का मतलब होता है 8 घंटे का काम, मतलब जनरली एक दिन में एक जो लेबर है वो 8 घंटे तक काम करती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है वेज रेट के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है, देखो मान लेते हैं कोई एक लेबर है जिसको 800 रुपये मिलते हैं 8 घंटे काम करने के लिए। आपने लेबर को बोला
कि भाई कल से मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा, लेकिन तुम्हें 10 घंटे काम करना होगा। ये लेबर तैयार हो जाएगी कि ठीक है भाई, 200 रुपये फालतू मिल रहे हैं, 10 घंटे काम करेंगे। अगर आपने बोला कि कल से मैं सिर्फ 600 रुपये दूंगा, तो ये लेबर बोलेगी कि भाई मैं 8 घंटे काम करता था तो 800 रुपये लेता था, अब आप अगर 600 रुपये दे रहे हो तो मैं सिर्फ 6 घंटे काम करूँगा। मतलब अलग अलग वेज रेट्स के ऊपर एक वर्कर कितनी देर के लिए अपनी लेबर को सप्लाई करने के लिए तैयार है, उसको कहा जाता है लेबर सप्लाई। सप्लाई ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर एट डिफरेंट वेज रेट्स। मतलब इसमें वेज रेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो लेबर सप्लाई है ये इंक्रीज कर सकती है, ये डिक्रीज कर सकती है, इवन वेन नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। इसका क्या एग्जाम्पल है, वही सेम एक लेबर है 800 रुपये में 8 घंटे काम करती है। अगर आपने वेज रेट बढ़ा दिया तो हो सकता है यही एक लेबर 10 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाए, ज़्यादा लेबर सप्लाई करें। और अगर आपने वेज कम कर दिया तो हो सकता है यही लेबर 600 रुपये में सिर्फ 6 घंटे काम करें। मतलब आपकी अगर लेबर कॉन्स्टेंट है, वर्कर कॉन्स्टेंट है, उसके बावजूद आपकी जो लेबर सप्लाई है वो इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके वेज रेट्स क्या हैं। एक पेज लो और साथ के साथ इसको लिखते रहो, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे और जब तक नहीं लिखोगे तो ऐसे समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। साथ साथ छोटा छोटा लिखते रहो, बहुत ईजी चीज़ें हैं। लेबर सप्लाई दिमाग में बिठाओ क्या है, कि एक वेज रेट पे अलग अलग वेज रेट्स के ऊपर एक वर्कर कितने घंटे के लिए अपनी लेबर को सप्लाई करने के लिए तैयार है, उसको कहा जाता है लेबर सप्लाई। फिर दूसरा टर्म है लेबर फोर्स। एक तो हमें ये पता है लेबर एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, कोई भी इंसान जो कि वर्किंग एज में लाया करता है, जो कि काम को करने के लिए एबल है और जो कि काम को करने के लिए विलिंग है, पहली चीज अपने को क्लियर है। अब लेबर फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स इज द नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग या फिर दोज हु आर विलिंग टू वर्क। मतलब ऐसे लोग जो कि एक्चुअली या तो काम कर रहे हैं, मतलब या तो एम्प्लॉयड हैं, या ऐसे लोग जो इस पूरी कैटेगरी में लाए करते हैं, काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है, मतलब जो अनएम्प्लॉयड पर्संस हैं। एम्प्लॉयड पर्संस और अनएम्प्लॉयड पर्संस जब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आता है लेबर फोर्स। क्या होता है लेबर फोर्स, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ लोग जो कि काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, उन सबको मिला के जब देखा जाता है तो उसको बुलाया जाता है लेबर फोर्स। क्या बुलाया जाता है लेबर फोर्स। और इसी लेबर फोर्स से आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और रेट निकालना बड़ा सिंपल है, जो आपकी लेबर फोर्स है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। लेकिन टोटल पॉपुलेशन ध्यान रखना, अबव 15 ईयर्स वाली टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं अपन, बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं अपन, वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं अपन। लेबर फोर्स को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो अपने को मिल जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देखो लेबर फोर्स क्या है, वो लोग जो कि एक्चुअल में या तो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, उन टोटल नंबर ऑफ पर्संस को बुलाया जाता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, लेबर फोर्स को टोटल पॉपुलेशन अबव 15 ईयर्स से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। फिर एक टर्म और आता है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स आर दी एक्चुअली एम्प्लॉयड पीपल, मतलब जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं। देखो लेबर फोर्स में हम एक्चुअली में जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब जो लोग एम्प्लॉयड हैं, और साथ में जो लोग काम करना चाहते हैं, मतलब जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं, उन सबको इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन वर्कफोर्स में हम सिर्फ बात करते हैं उन लोगों की जो कि एक्चुअली काम कर रहे हैं, जो कि एम्प्लॉयड हैं। और अगर हमें वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालनी है तो बड़ा सिंपल है, एम्प्लॉयड पर्सन जितने भी हैं उनको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, और टोटल पॉपुलेशन कौन सी है अब 15 ईयर्स वाली, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो अपने को मिल जाएगा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। पेज में लिखो लेबर सप्लाई क्या है, लेबर सप्लाई इज सप्लाई ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर एट डिफरेंट वेज रेट्स। अलग अलग वेज रेट्स के ऊपर एक वर्कर कितने घंटे के लिए अपनी लेबर को सप्लाई करने के लिए तैयार है, उसको कहा जाता है लेबर सप्लाई। दूसरा है लेबर फोर्स,
एक्चुअली में जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग एम्प्लॉयड हैं और जितने लोग काम करना चाहते हैं, मतलब जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उन सब लोगों के सम टोटल को कहा जाता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? लेबर फोर्स को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन अबव 15 ईयर से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आ जाएगी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्क फोर्स क्या होती है? वर्क फोर्स इज एक्चुअली द नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड, जो कि काम कर रहे हैं। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकलेगी? एम्प्लॉयड पर्सन को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। जब भी अपन टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो ये टोटल पॉपुलेशन है अबव 15 ईयर्स वाली। फिर अगर बात करें नंबर ऑफ पर्सन हु आर अनएम्प्लॉयड, एक्चुअल में कितने ऐसे लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, और उसको निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर दो। अभी अपन पढ़ के आए लेबर फोर्स क्या होता है। लेबर फोर्स इज द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, मतलब लेबर फोर्स टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन, इसमें से वर्क फोर्स को माइनस कर दो। और वर्क फोर्स क्या होती है? द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एम्प्लॉयड। सिंपल मैथ्स है, एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड कट जाएगा और बचेगा क्या? नंबर ऑफ पर्सन हु आर अनएम्प्लॉयड। तो अगर नंबर ऑफ पर्सन हु आर अनएम्प्लॉयड निकालना है तो लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर दो। सिंपल मैथमेटिक्स है। फिर इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है? रेट की बात हो रही है, मतलब परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में, टोटल लेबर फोर्स में कितना परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं, उसको कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन जितने भी हैं उसको टोटल लेबर फोर्स से डिवाइड कर दो। और यहाँ थोड़ा ध्यान देना, अब तक हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनमें हमने डिवाइड किया है टोटल पॉपुलेशन से, लेकिन जब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में तो हम टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन को डिवाइड करते हैं टोटल लेबर फोर्स से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और अपने को मिल जाती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फिर प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड। प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड को निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से अबव 15 ईयर वाली से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। यहां भी थोड़ा ध्यान देना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के केस में अपन क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन को डिवाइड कर रहे हैं टोटल लेबर फोर्स से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। जब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड के बारे में तो हम क्या करते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। फिर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन पर लैक ऑफ रियल जीडीपी, पर लैक ऑफ रियल जीडीपी पे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, उसको कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी। और रियल जीडीपी क्या होती है, यह भी अपन ने पढ़ा है, बेस ईयर के प्राइजेस के ऊपर जब जीडीपी निकाली जाती है तो उसको कहा जाता है रियल जीडीपी। और फाइनल टर्म है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, व्हेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू वर्क इज हायर देन द इनकम रिसीव्ड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इसके बारे में अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। बस मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप का मतलब क्या है। देखो, मान लेते हैं कि आप बेरोजगार हो और आपको बेरोजगार होने के लिए सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता मिलता है, मान लेते हैं 15,000 रुपये। कितना मिलता है? 15,000 रुपये। आपने नौकरी ढूंढी और आपको नौकरी मिली सिर्फ 12,000 रुपये की। अब आप नौकरी पे जाना चाहोगे क्या? बिकॉज अगर आप 12,000 की नौकरी पे जाओगे तो आपको ये जो भत्ता मिलता था 15,000 रुपये, ये मिलना बंद हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि मैं नौकरी पे नहीं जाता हूँ, बिकॉज नौकरी अगर जाऊँगा उस नौकरी पे जितनी इनकम मुझे मिल रही है वो सफिशियंट नहीं है, मुझे घाटा हो रहा उल्टा। ये जो सिचुएशन है इसको बोल देते अपन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। मतलब जब काम पे जाने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ज़्यादा हो देन द इनकम रिसीव्ड, तो उस सिचुएशन को बुलाया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। हालांकि मुझे पता है कि शायद इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आए आपको, बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है तो आपको ये बात एग्जैक्टली समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। और मैं जानबूझ के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को छोड़ रहा हूँ बिकॉज बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है अपन ने इसके बारे में। अगर पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन।
देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें पढ़ी अपन ने। एक तो हमने बात की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। एक पन्ना लो, बिना दिखे साइड साइड में लिखो। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो कि वर्किंग एज में लाया करता है, जो कि काम करना चाहता है और काम को करने में एबल है। अगर इस इंसान को करंट वेज रेट के ऊपर काम नहीं मिलता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा टर्म है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसी इंसान को रोजगार तो दिया गया बट बिलो देयर एजुकेशन और स्किल लेवल। फिर हमने बात की वेरियस इंडिकेटर्स अंडर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। पहला लेबर सप्लाई, सप्लाई ऑफ लेबर, वेयर द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर एट द डिफरेंट वेज रेट्स। अलग अलग वेज रेट्स के ऊपर कोई वर्कर कितने घंटे का लेबर सप्लाई करने के लिए विलिंग है, काम करने के लिए विलिंग है, उसको कहा जाता है लेबर सप्लाई। लेबर फोर्स का मतलब नंबर ऑफ पर्संस हु आर एक्चुअली वर्किंग और आर विलिंग टू वर्क इज नोन एज लेबर फोर्स। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जितने भी एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पर्संस हैं उनके सम टोटल को कहा जाता है लेबर फोर्स। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन अब 15 ईयर वाले से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आ जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्क फोर्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्संस हु आर एम्प्लॉयड। और वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर निकालना है तो एम्प्लॉयड पर्संस को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन अब 15 ईयर से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। फिर हमने बात की नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड के बारे में। लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर दो, अपने को मिल जाता है नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है, परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्संस इन द लेबर फोर्स। कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्संस को डिवाइड कर दो टोटल लेबर फोर्स से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो अपने को मिल जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड का होता है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्संस को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्संस पर लैक ऑफ रियल GDP इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी। और अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप का मतलब व्हेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू वर्क इज हायर देन द इनकम रिसीव्ड देन इट इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। फिर इसके बाद बात आती है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर किया जाता है। प्लानिंग कमीशन ने 1960 में एक कमेटी बनाई, ML दांतेवाला कमेटी। दांतेवाला कमेटी बनाई गई 1960 में और इस कमेटी ने तीन मेथड्स रिकमेंड किए और तब से NSSO इन तीन मेथड्स को यूज करता है अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए। कौन कौन से तीन मेथड्स हैं और बहुत सिंपल मेथड्स हैं। पहला मेथड है यूजुअल स्टेटस या फिर यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस मेथड, UPSS मेथड। देखो UPSS मेथड में क्या करते हैं, रेफरेंस पीरियड होता है एक साल का। कितने साल का रेफरेंस पीरियड होता है, एक साल का। अगर आप नितिन सिंघानिया देखोगे तो उसमें लैंग्वेज लिखी हुई है, मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया है चीज़ों को समझाने के लिए। रेफरेंस पीरियड होता है UPSS में एक साल का, मतलब एक साल तक सर्वे की जाती है, देखा जाता है कि उस एक साल में कोई भी इंसान कितने दिन तक एम्प्लॉयड रहा। UPSS में यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस मेथड में एक साल का रेफरेंस पीरियड होता है, एक साल तक डेटा कलेक्ट किया जाता है और देखा जाता है कि उस एक साल में कोई भी इंसान कितने दिनों तक एम्प्लॉयड रहा। और इस मेथड में जो एक्टिविटी स्टेटस होता है वो होता है 30 डेज का। 30 डेज का एक्टिविटी स्टेटस होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक साल में, पूरे एक साल में अगर किसी इंसान को 30 दिन या उससे ज़्यादा तक रोजगार मिला है तो उसको एम्प्लॉयड कंसीडर कर लिया जाता है। सोचो कितनी वेग सी चीज़ है। इस मेथड में अपन क्या कर रहे हैं कि हमारा रेफरेंस पीरियड है एक साल का। कितने साल का रेफरेंस पीरियड है, एक साल का। एक साल तक डेटा कलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि उस एक साल में किसी भी इंसान को कितने दिन तक रोजगार मिला। और एक्टिविटी स्टेटस का टाइम कितना है, 30 दिन का। अगर कोई इंसान 30 दिन या उससे ज़्यादा दिन तक उस साल में काम कर रहा है तो उसको एम्प्लॉयड कंसीडर कर लिया जाता है। दूसरा मेथड है करंट वीकली स्टेटस, और नाम से ही क्लियर है वीकली स्टेटस। करंट वीकली स्टेटस में रेफरेंस पीरियड होता है 7 दिन का, मतलब
7 दिन तक डेटा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन एक्टिविटी स्टेटस होता है 1 घंटे का। एक्टिविटी स्टेटस कितना होता है? सिर्फ 1 घंटे का। कि अगर 7 दिन में किसी को 1 घंटे का भी काम मिल गया है तो उसको एम्प्लॉयड कंसीडर कर लिया जाएगा। सोचो कितना वेग है। एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसको पूरा 7 के 7 दिन काम मिला हो, और एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसको सिर्फ 2 घंटे काम मिला हो, लेकिन दोनों को ही एम्प्लॉयड कंसीडर किया जाएगा। सेम यहाँ पे भी है कि एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसको पूरे 12 महीने काम मिला हो, पूरा साल काम मिला हो, और एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसको सिर्फ 31 दिन काम मिला हो, लेकिन दोनों को ही इस मेथड के थ्रू एम्प्लॉयड कंसीडर किया जाएगा। अपने को क्या याद रखना है? यूजुअल स्टेटस या यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस UPSS में रेफरेंस पीरियड कितना है? 1 साल का। डेटा 1 साल के लिए कलेक्ट किया जाता है, और एक्टिविटी स्टेटस कितना है? 30 दिन का। अगर कोई इंसान 1 साल में 30 या उससे ज़्यादा दिन तक काम कर रहा है तो उसको एम्प्लॉयड कंसिडर किया जाएगा। दूसरा मेथड है करंट वीकली स्टेटस CWS। इसमें रेफरेंस पीरियड होता है 7 दिन का, और एक्टिविटी स्टेटस होता है सिर्फ 1 घंटे का। मतलब अगर 7 दिन में किसी इंसान को 1 घंटे या उससे ज़्यादा का काम मिल गया है तो उसको एम्प्लॉयड कंसिडर कर लिया जाएगा। और तीसरा मेथड होता है करंट डेली स्टेटस। और इस मेथड में जो रेफरेंस पीरियड होता है वो तो होता है 7 दिन का। मतलब NSSO जो है वो 7 दिन तक डेटा को कलेक्ट करता है, लेकिन ये जो डेटा है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कैसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है? अगर किसी इंसान को पूरे दिन में 1 घंटे का भी काम नहीं मिला तो मान लिया जाता है कि वो अनएम्प्लॉयड है। अगर किसी इंसान को पूरे दिन में 1 से 4 घंटे के बीच में काम मिला तो ये मान लिया जाता है कि वो 0.5% डे जितना एम्प्लॉयड था, या अगर और सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो उसको आधे दिन जितना काम मिला। और अगर किसी इंसान को 1 दिन में 4 घंटे से ज़्यादा काम मिल जाता है तो उसको माना जाता है कि वो पूरी तरीके से उस दिन के लिए एम्प्लॉयड था। बेसिकली होता क्या है कि NSSO जो है वो 7 दिन तक डेटा को कलेक्ट करता है। जैसे पहले दिन गए और देखा कि किसी इंसान को मान लेते हैं कि सिर्फ 3 घंटे काम मिला, तो इसको स्कोर दे दिया जाएगा आधा। कितना दे दिया जाएगा? आधा, मतलब 0.5% डे जितना एम्प्लॉयड था ये आदमी। अगले दिन फिर से देखा और मान लेते हैं कि पूरे दिन में इस आदमी को 1 घंटे का भी काम नहीं मिला, तो इसको स्कोर दे दिया जाएगा 0, मतलब ये अनएम्प्लॉयड था इस दिन के लिए। फिर तीसरे दिन फिर से गए और देखा कि इसको 5 घंटे का काम मिला पूरे दिन में, इसको स्कोर दे दिया जाएगा 1, मतलब उस दिन के लिए इसको एम्प्लॉयड कंसिडर कर लिया जाएगा। फिर चौथे दिन फिर से देखा और मिला कि इसको 6 घंटे का काम मिला था, तो एक बार फिर से इसको स्कोर दे दिया जाएगा 1। फिर अगले दिन फिर से गए और देखा कि यार इस आदमी को काम मिला सिर्फ 3 घंटे का, तो मतलब इसको स्कोर कितना दे दिया जाएगा? आधा स्कोर दे दिया जाएगा, 0.5% डे जितना स्कोर दे दिया जाएगा। फिर छठवें दिन गए और छठवें दिन देखा कि इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए काम मिला था, मतलब एक बार फिर से इसको स्कोर दे दिया जाएगा हाफ। कितना दे दिया जाएगा? हाफ। और फिर मान लेते हैं लास्ट दिन, सातवें दिन इस इंसान को मान लेते हैं कि 7 घंटे के लिए काम मिला, मतलब 4 घंटे से ज़्यादा था, इसको पूरा पूरा स्कोर मिलेगा इस 7वें दिन के लिए, ये पूरी तरीके से एम्प्लॉयड था। मतलब पूरे हफ्ते में अगर देखा जाए तो ये आदमी 4.5% डेज के लिए एम्प्लॉयड था। 1, 2, 3, 4 और आधा, 4.5% डेज के लिए एम्प्लॉयड था, और 2.5% डेज ऐसे थे जब ये इंसान अनएम्प्लॉयड था। अगर बहुत सिंपल तौर पर याद रखना है तो इतना याद रखो कि करंट डेली स्टेटस में क्या होता है, रेफरेंस पीरियड होता है 7 दिन का। 7ों दिन तक NSSO डेटा को कलेक्ट करता है, और पर डे के लिए जितने वर्किंग आवर्स उसको मिले उसके हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। अगर किसी को 1 घंटे जितना भी काम नहीं मिला तो उसको उस दिन के लिए अनएम्प्लॉयड कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर 1 से 4 घंटे के बीच में काम मिला तो उसको 0.5% डे जितना एम्प्लॉयड मान लिया जाएगा, आधे दिन जितना उसको काम मिला ये मान लिया जाएगा। और अगर उसको 4 घंटे से ज़्यादा का काम मिला पूरे दिन में तो उसको एम्प्लॉयड मान लिया जाएगा। और ये जो CDS है, करंट डेली स्टेटस मेथड है, ये सबसे बढ़िया तरीका है अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का, बिकॉज ये ब्रॉड तरीका है। पिछले वाले जो 2 मेथड्स हैं वो क्या है, एक में रेफरेंस पीरियड है 1 साल का, और एक्टिविटी स्टेटस सिर्फ 30 दिन का है। कि पूरे साल में अगर आपको 30 दिन भी काम मिल गया तो आपको एम्प्लॉयड मान लिया जाएगा। करंट वीकली स्टेटस में रेफरेंस पीरियड तो 7 दिन का है, लेकिन एक्टिविटी स्टेटस सिर्फ 1 घंटे का है।
कि अगर आपको एक घंटे भी काम मिल गया है तो आपको एम्प्लॉयड मान लिया जाएगा। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा वेग मेथड है। लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं करंट डेली स्टेटस के बारे में, तो रेफरेंस पीरियड है 7 दिन का, और 7ों दिन तक इंडिविजुअली देखा जाता है कि हर दिन उसको कितने घंटे काम मिल रहा है। और घंटे में भी फिर डिवीजन है कि अगर एक घंटे जितना भी काम नहीं मिला है तो अनएम्प्लॉयड मान लिया जाएगा, एक घंटे से 4 घंटे के बीच में काम मिला है तो आधे दिन जितना एम्प्लॉयड मान लिया जाएगा, और अगर 4 घंटे से ज़्यादा काम मिला है तो पूरी तरीके से एम्प्लॉयड मान लिया जाएगा। तो ये जो करंट डेली स्टेटस मेथड है, ये सबसे बढ़िया मेजर है अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत ख़त्म हो गई। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, सुनने में अगर थोड़ी डिफिकल्ट लग रही हैं तो कॉपी लो, उस पर लिखो, और अगर लिखोगे तो लिखते लिखते चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।